फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो जवान के डायरेक्टर इटली कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो आने वाले समय में शाहरुख खान के साथ एक नई फिल्म के ऊपर काम करने वाले हैं, जो कि उनकी पिछली फिल्म जवान से काफी बड़ी होगी, जिसमें हमें काफी ट्विस्ट और टर्न के साथ कई बड़े बड़े एक्शन सिक्वेंस देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, अभी डायरेक्टर इटली कुमार थलापति विजय और SRK की अनटाइटल फिल्म की कहानी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसे आने में लगभग 5 से 6 साल लगेंगे। और इसी बीच डायरेक्टर इटली कुमार अल्लू अर्जुन की फिल्म के ऊपर भी काम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें 2026 या 27 तक देखने को मिलेगी। और फिर कहीं जाकर डायरेक्टर इटली कुमार शाहरुख खान की इस फिल्म के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, तो शाहरुख खान और इटली कुमार का दोबारा से कॉम्बिनेशन देखने के लिए हमें लगभग 4 से 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर इटली कुमार और शाहरुख खान के इस कॉम्बिनेशन के बारे में? बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। कल नानी के जन्मदिन पर नानी की अनटाइटल फिल्म नानी 32 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। आपको बता दें, नानी 32 एक गैंगस्टर एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर सुजीत डायरेक्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता, अभी नानी अपनी आने वाली पैन इंडिया फिल्म सरिपोदा शनिवारम की शूटिंग में बिजी है, जो की हमें 29 अगस्त 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। और वहीं डायरेक्टर सुजीत पवन कल्याण की आने वाली फिल्म ओजी की शूटिंग में बिजी है, जो की हमें 27 सितम्बर 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। और इन दोनों फिल्मों के रिलीज होने के बाद ही डायरेक्टर सुजीत और नानी अपनी इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, और ज्यादा चांसेस हैं कि नानी की ये फिल्म हमें 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आपको नानी 32 का ग्लिम्स वीडियो कैसा लगा और आप डायरेक्टर सुजीत और नानी के कॉम्बिनेशन में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताएं। और वहीं हाउसफुल 5 को लेकर कहा जा रहा है कि इस फिल्म में हमें हाउसफुल 4 के ही कास्ट देखने को मिलेगी, पर इसमें एक चेंजेस किया गया है। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि हाउसफुल 4 से अभिषेक बच्चन ने हाउसफुल 5 में काम करने से मना कर दिया है, जिसके बाद मेकर्स ने इस कैरेक्टर के लिए फरदीन खान से बात की है और फरदीन खान ने इस कैरेक्टर के लिए हाँ कर दिया है। तो अब हाउसफुल 5 में हमें अक्षय कुमार के साथ रितेश देशमुख, बॉबी देओल और फरदीन खान जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल तो नहीं है, तो देखना होगा कि हाउसफुल 5 की ऑफिशियल कास्ट को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। आपको बता दें, हाउसफुल 5 एक बड़ी कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे लगभग 350 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा। और वहीं इस फिल्म को डायरेक्टर तरुण मनसुखानी डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसकी शूटिंग मेकर्स समर 2024 से स्टार्ट करेंगे और ये फिल्म हमें जून 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने अपने फिल्मी टॉक के वीडियो में बताया था कि रजनीकांत की 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर का सिक्वल आने वाला है, तो अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म के डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने जेलर 2 की कहानी के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आपको पता, अभी रजनीकांत डायरेक्टर TJ गानावेल की फिल्म वेटेन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि हमें 2024 में ही देखने को मिलेगी। और उसके बाद वो डायरेक्टर लोकेश कनगराज की फिल्म फ्लाइवर 171 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, और फिर कहीं जाकर वो डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार की फिल्म जेलर 2 के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, जिसके ज्यादा चांसेस हैं कि ये फिल्म हमें 2026 तक सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। जब ठोकना होता है तो मैं बात नहीं करता, बस ठोक देता। और वहीं मम्मूटी की फिल्म ब्रह्म युगम ने अपने रिलीज के 10 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और इस खबर को खुद मेकर्स ने ब्रह्म युगम की इस पोस्ट को डालते हुए बताया है। आपको बता दें, मम्मूटी की इस फिल्म को लगभग 27 करोड़ के बजट में बनाया गया था, और अपने रिलीज के 10 दिनों में ही मम्मूटी की इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और वहीं ट्रेड के अनुसार इस फिल्म ने 10 दिनों में 46 करोड़ 95 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो ट्रेड के कलेक्शन और मेकर्स के कलेक्शन में हमें लगभग 3 करोड़ का अंतर देखने को मिल रहा है, जो कि आजकल सभी फिल्मों में देखने को मिलता है। वैसे कि आपने मम्मूटी की फिल्म ब्रह्म युगम को देख लिया है, और अगर देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आर्टिकल 370 ने अपने रिलीज के दूसरे दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ 40 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया है, और इसी के साथ इस फिल्म ने 2 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ 30 लाख रुपए का नेट कलेक्शन और 15 करोड़ 40 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं इस फिल्म ने 2 दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 60 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, और इसी के साथ इस फिल्म ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। तो देखना होगा कि आर्टिकल 370 का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था,
और वहीं विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक ने अपने रिलीज के दूसरे दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2,15,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया है और इसी के साथ क्रैक ने 2 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6,40,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन और 7,25,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं क्रैक ने 2 दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ इस फिल्म ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 9,25,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। तो देखना होगा कि क्रैक का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। ये लोग साथ में किसे? It's for the sake of the country. हाँ, मस्त है। अपने यहाँ पे भी सिंगम सिम्बा सूर्यवंशी साथ में आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।